हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित। वेलकम टू आवर चैनल ट्रस्टेड टॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड। आजकल लोगों में एक होड़ सी लगी हुई है क्रेडिट कार्ड लेने की, वैसे ही कंपनीज में एक होड़ लगी हुई है क्रेडिट कार्ड देने की। सो उसी से रिलेटेड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, जिससे आप लोगों के जो भी डाउट्स है क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड वो सारे क्लैरिफाई हो जाएंगे। चलो करते हैं स्टार्ट। तो रोहित, मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है? यार, क्रेडिट कार्ड एक बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करता है, उस लिमिट तक आप पैसे को 30-45 डेज इंटरेस्ट फ्री यूटिलाइज कर सकते हो, एंड 30-45 डेज के बाद वो पैसा आपको बैंक को रिटर्न करना होता है। तो अच्छा, यस, तो इसका मतलब आप बोल रहे हो 30-45 दिन तक मैं बैंक का पैसा यूज कर सकता हूँ और मुझे उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। यस राइट, 30-45 डेज बिल्कुल फ्री है पैसा, आप यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, एंड इवन उस पर आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं शॉपिंग करते टाइम। यस, अच्छा ठीक है, बेनिफिट्स के हम बात बारे में करते हैं। उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है, एक इसमें आपने लिमिट का यूज किया है, ठीक है, कि ये क्रेडिट लिमिट होती क्या है? यार, क्रेडिट लिमिट एक्चुअली एक ऐसी लिमिट है जिस लिमिट तक आप पैसा यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी लिमिट 3 लाख रुपीज है, तो आप 3 लाख रुपए तक पैसा यूज कर पाओगे, आप 3 लाख से ऊपर पैसा यूज नहीं कर सकते बैंक का। और जो लिमिट होती है वो मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड होती है, जैसे आपकी सैलरी पे या आपके पास रिकॉर्ड्स पे कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, टाइमली पेमेंट की है तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा, तो इन चीजों पे लिमिट डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, किसी एक दो पर्सन है, एक की सैलरी ज्यादा है यानी एक की सैलरी कम है, तो जो जिसकी सैलरी कम है उसकी लिमिट कम देगा बैंक, जिसकी ज्यादा सैलरी है उसकी थोड़ी लिमिट ज्यादा होगी। अच्छा, तो आपका कहने मतलब है जो क्रेडिट लिमिट है बेसिकली हमारा, हमें बैंक कितना सैंक्शन करता है कि हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, राइट? हाँ, और ये हमारे डिपेंड करते हैं क्रेडिट स्कोर पे और हमारी सैलरी पे, ठीक है, right. कि हमारी कितनी सैलरी है और उसके बेस पे हम ये क्रेडिट लिमिट डिफाइन करता है। ओके, इसी बात पे आपने बताया क्रेडिट स्कोर, ये क्रेडिट स्कोर क्या चीज है? यार, क्रेडिट स्कोर एक बैंक ने एक मतलब रिस्क, बैंक के लिए लोन देना यू नो एक रिस्क है, राइट? उसी रिस्क को जज करने के लिए उसने एक क्रेडिट स्कोर बनाया, एक ग्रेडिंग सिस्टम जो 300-900 की रेंज में होता है। ओके, एंड वो जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डिसाइड होता है फैक्टर लाइक जैसे सैलरी हो, आपकी पास्ट ट्रेंड्स, यू नो पेमेंट कैसे की है आपने एंड टाइमली पेमेंट किया नहीं किया है, तो उस पर क्रेडिट स्कोर डिफाइन होता है ताकि बैंक के लिए आसान हो कि इसको इस पर्सन को लोन देना है या इसको नहीं देना है। हाँ। अगर आपका 700 से ऊपर है, 750 से एक अच्छा स्कोर माना जाता है, अगर आपका 750 से ऊपर है तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा, वहीं आपका 300-400 की रेंज में है तो बैंक को लगेगा यार यहाँ पे रिस्क मेरा ज्यादा है। हाँ। तो वो थोड़ा सा पीछे हटेगा बैंक आपको लोन देने में, इवन क्रेडिट कार्ड इशू करने में भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो रोहित, ये बताइए यार, क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या होते हैं? यार, वैसे तो क्रेडिट कार्ड के काफी फायदे हैं, तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आप 30-45 डेज इंटरेस्ट फ्री पैसे यूज कर पाओगे। सेकंड, आपको पैसा खर्च करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कुछ परचेज करते हो तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप कन्वर्ट कर पाओगे कैश में भी, इवन आप शॉपिंग के लिए यूज कर पाओगे उसको। अच्छा। थर्ड बेनिफिट यार, उसमें आपको काफी बैंक के डिस्काउंट मिलते हैं, जैसे मान लो कि आपको अमेजोन से कुछ परचेज करना है, एसी है 40,000 का, तो आपको इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड से थ्रू पेमेंट करते हो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, वही 40,000 का आपको 36,000 का एसी पड़ेगा। एंड फोर्थ है लोन्स बेनिफिट्स, अगर आप ट्रैवलिंग कैटेगरी के इंसान हो, आप ट्रैवल करते रहते हो तो आपको लोन्स बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ पे। यार रोहित, ये बताओ, आपने फायदे तो बता दिए, ठीक है, अब ये भी बता दो कि इसका कुछ नुकसान भी होते हैं क्या? यार हिमांशु, डेफिनेटली हर चीज़ के नुकसान होते हैं अगर लिमिट से यूज कर, लिमिट से ज़्यादा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी यार 30-40 होगी। 30,000, राइट, लेट्स से 30,000, ठीक है। अगर आपने 1 लाख रुपीज का सामान परचेज कर लिया क्रेडिट कार्ड से, तो मंथ के एंड में आप कितना पे कर पाओगे? यार ऑफ कोर्स, पहले तो मैं 30 ही पे कर पाऊंगा, पर मुझे लगता है 30 ही पूरा पे कर पाऊंगा, राइट? तो जो आपका रिमेनिंग पार्ट है 70,000, उस पर बैंक आपसे 30-45% पर एनम से रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो पर्सनल लोन से 3 टाइम्स ज्यादा है आपका। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है। अच्छा, मतलब 30-45% यूजुअली मुझे लोन 10-15% मिल जाता है, राइट? एंड सेकंड, आप मान लो कि आपने 1 लाख तक का सामान परचेज कर लिया, आपके पास पैसे नहीं बचे, पेमेंट नहीं कर पाए टाइमली उसकी, तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है इससे। आपको फ्यूचर में होम लोन लेना है या दूसरा कोई लोन लेना है तो आपको बैंक तो नहीं देगा लोन, क्योंकि आपने पहले से टाइमली पेमेंट नहीं कर रखी, तो क्रेडिट स्कोर जो है वो उसी पे डिसाइड होता है। हाँ। तो सेकंड सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है आपका क्रेडिट स्कोर, जिससे आपकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप फ्यूचर में कोई लोन नहीं ले पाओगे। तो इसका मतलब हमें
क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहिए, लेना चाहिए, बट हमें उसका ध्यान से यूज करना चाहिए। तो एक आखिरी क्वेश्चन आज के लिए, आप ये बताइए, अगर हम क्रेडिट कार्ड यूज ले रहे हैं या यूज कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसको कितना यूटिलाइज करना चाहिए? लेट्स से हमारी 1,00,000 की लिमिट है, ठीक है, तो हमें कितना उसमें यूज करना चाहिए इसका? यार वैसे तो आपको 1,00,000 की लिमिट है, तो 30% तक यूटिलाइज करो उसको, इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। अगर 30% से आप ज्यादा यूटिलाइज करोगे तो बैंक को लगेगा ये तो क्रेडिट कार्ड पे डिपेंडेंट है, तो बैंक थोड़ा सा थोड़ा सा रिस्की पार्ट लगता है बैंक का। अगर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो 30% तक आप यूटिलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो मुझे 30,000 तक यूज करना है, राइट, ठीक है, 1,00,000 की अगर मेरी लिमिट है। थैंक यू रोहित एंड थैंक यू एवरीवन। हमने ट्राई किया है कि हम आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सके, बट स्टिल आई बिलीव कुछ आपके क्वेश्चन बचे होंगे, तो आप कमेंट्स में डालिए और हम रोहित के साथ फिर आएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेंगे। हाँ। थैंक्स एवरीवन।